रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक बार फिर से नए वीडियो में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लिक्विड बनाने का तरीका सिखाऊंगी जो 100 बाजारी क्रीमों का निचोड़ है। जी हाँ, आप जितनी मर्जी महंगी मार्केट से क्रीमें ले आए हाथों और पैरों को गोरा करने के लिए, ग्लोबी वेट भी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला हिट है, सुपर हिट है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पैरों को किस तरीके से गोरा करना है, इसके लिए एक बाउल में सबसे पहले 1 चम्मच मैंने ऐड किया लेमन जूस यानी नींबू का रस। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होगी ग्लिसरीन। बस कोई भी तीसरी चीज आपने इसमें ऐड नहीं करनी। अगर आपने कहीं वीडियो देखी है या आपने कहीं आर्टिकल पढ़ा है तो आप कोई भी चीज इसमें तीसरी ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ ये 2 चीजें आपने मिलानी है। अगर आप चाहें तो इसमें गुलाब का रस मिला सकते हैं, लेकिन ये 2 चीजें ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट देंगी। किसी किस्म की पैरों के ऊपर जलन नहीं होगी, किसी किस्म की आपकी स्किन पर खारिश नहीं होगी। आपके पैरों और हाथों के ऊपर जितनी ज्यादा भी टैनिंग है उसको रिमूव करके आपके हाथों और पैरों को बहुत ज्यादा गोरा करेगी। तो आपको कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। आज की वीडियो में पहले रिजल्ट दिखाया, 2 दिन मैंने इस्तेमाल किया तो टैनिंग जाती रही है। अगर आपके हाथों और पैरों के ऊपर टैनिंग है या टैनिंग नहीं भी, आप वैसे ही अपने हाथों और पैरों को गोरा करना चाहते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत मुख्तसर सा शॉर्ट सा चप्पल पहनते हैं तो हमारे पैर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने चाहिए। रात सोने से पहले इसको कॉटन बॉल की मदद से अपने पैरों के ऊपर और हाथों के ऊपर अप्लाई कर लें। आप इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल नहीं कर सकते और सारी रात के लिए इसको लगा रहने दें। सुबह उठ के मॉर्निंग में अपने हाथों और पैरों को वॉश कर दें। अल्लाह खैर सलाह, बहुत ही शानदार किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं। वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलेंगे मैं अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि गलतियां नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन कौन हमारे गिरने का इंतजार कर रहा है। इस बात पर गौर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।